हे एवरीवन, मेरा नाम है एसजी एंड वेलकम टू द अनऑफेंडर। और ये है काला पानी वेब सीरीज की एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो। ऑफ कोर्स इसमें स्पॉयलर्स होंगे एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। तो केतन को एटम के एटविस प्रोजेक्ट के बारे में सच पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ही LHF बीमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पहुंची। ओराकास ग्रेवयार्ड को एटविस बोलते थे और जब भी किसी की LHF की वजह से डेथ होती थी वो उसी ग्रेवयार्ड में बॉडी को दफनाते थे और साथ ही में अंडमानी एक्निशिया प्लांट का बीज बोते थे क्योंकि ओराकास उसे नेचर का एंटीबायोटिक मानते थे। लेकिन दुखद, एटम वालों ने उसी लैंड को अपने प्रोजेक्ट के लिए चुना। पहले उन्होंने वो प्लांट हटाया और लैंड के अंदर जो LHF का बैक्टीरिया था वो बाहर आ गया। बारिश की वजह से वो बैक्टीरिया लेक तक पहुंचा और पाइपलाइन की वजह से लोगों के घर तक। केतन को पहले लगता है कि एटम वालों ने ये जानबूझकर करा है, पर मिस्टर वाई उसे सच बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें बस एटवेस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के लिए अपने उल्लू के पट्टे CEO को बुलाना था जो हेलीकॉप्टर से पधारता, और उसी के लिए उन्हें वहाँ हेलीपैड बनाना था। और बाद में पता है क्या होता है, उनका CEO आता ही नहीं है बल्कि वो अपने बदले अपनी बीवी को भेज देता है, इसलिए वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। एटम वालों का कोई LHF फैलाने का इरादा नहीं था, उन्होंने बस ये करा कि जानते हुए भी कि वो लैंड एनवायरमेंटल बफर जोन में आता है, उसके बावजूद भी उस लैंड को अपने प्रोजेक्ट के लिए ले लिया। उसके अलावा जो भी ऑफिशियल्स है वो मान गए हैं कि एक्निशिया प्लांट एक्सटेंट हो चुका है और लोगों को बचाने का अब एक ही तरीका है, अगर वो ओराका ट्राइब के लोगों से उनका पेप्टाइड निकाल ले। डॉक्टर्स इस चीज का सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये करने से पूरी ओराका ट्राइब के खत्म होने के चांसेस हैं, पर पॉलिटिशियंस ज्यादा लोगों को बचाने के बारे में सोचते हैं और मिस्टर वाही के पास जाके हक्सली आइलैंड पर जाके रिसर्च सेंटर खोलने की बात करते हैं। हक्सली आइलैंड वही आइलैंड है जो एटम के CEO ने खरीदा था और अब वो जितने भी नॉन इन्फेक्टेड लोग हैं उनका सेफ स्पेस बनेगा। रिसर्च सेंटर के प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए डॉक्टर रितु का नाम लेते हैं और केतन से कहते हैं जाके रितु को ले आए। जब केतन रितु के पास पहुंचता है तब वो उसे गले लगा लेती है, जिससे केतन रियलाइज करता है उसमें भी फीलिंग्स है। वो रितु को हक्सली आइलैंड के बारे में बताता है, पर रितु LHF का एक सही इलाज बनाना चाहती है और ज्योत्सना के बताए हुए आइलैंड पर एक्निशिया को ढूंढना जाना चाहती है। लेकिन फिर भी केतन रितु को एटम के हेडक्वार्टर्स की तरफ ले चलता है। ये बात डॉक्टर रितु समझ जाती है और वो केतन से कहती है कि उसे एक्निशिया प्लांट ढूंढने जाने दे। फिर केतन डॉक्टर रितु की बात मान लेता है और अकेले ही एटम के हेडक्वार्टर्स चले जाता है। वहाँ वो मिस्टर वानी और कंचन को ये बात बता देता है, जिसके बाद कंचन उसे खूब कूटता है। इसके अलावा जो दूसरी स्टोरी चल रही है उसमें जब चीरू को पता चलता है कि वो भी एक ओराका है, वो अपना पेप्टाइड देने को तैयार हो जाता है एनमे की जगह। ऑपरेशन के बाद भी चीरू बच जाता है और एनमे चीरू को थैंक यू बोलने के लिए आता है, जहाँ चीरू एनमे को प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपने बच्चों के पास लेके जाएगा। और वो हॉस्पिटल से भागकर निकल पड़ते हैं लेकिन उनको पुलिस पकड़ लेती है और कादरी सर के कहने पर बाद में उन्हें छोड़ भी देती है। इसके अलावा संतोष फाइनली नॉन इन्फेक्टेड लोगों वाले जोन में पहुंच जाता है जो कि ज्योत्सना और विनायक का स्कूल होता है। वहाँ संतोष ज्योत्सना और कद्दू से मिल जाता है। ज्योत्सना वहाँ से निकल जाती है और विनायक से स्कूल में मिलने की बात करती है। साथ में वो डॉक्टर रितु से भी बात करती है कि उन्हें वो एक्निशिया वाले आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स भेजेगी। वहाँ पर ज्योत्सना को पता चलता है कि कद्दू की असाइनमेंट बुक उसके पास रह गई है और वो उस बुक को लौटाने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है कि कद्दू को भी LHF हो गया है और क्योंकि कद्दू एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रही थी इसलिए उसे सिम्टम्स लेट आए। ये सुन के संतोष का दिमाग चकरा जाता है। अपनी बीवी और बेटे को वो पहले से ही खो चुका था, अब उसे अपनी बेटी से दूर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो पहले ज्योत्सना से बात करता है पर जब वो मना कर देती है तो वो ज्योत्सना को जान से ही मार देता है। ज्योत्सना के न होने की वजह से अब रितु को अकेले ही उस आइलैंड को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वहाँ उसे बासु अंकल की हेल्प मिलती है, लेकिन वो भी श्योर नहीं है कि एक्निशिया प्लांट एक्सटेंट हुआ है कि नहीं, पर एक्चुअली में तो वो स्कूल में अवेलेबल है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विनायक और ज्योत्सना को एक स्कूल प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उन्हें सीड प्लांट करनी होती है और विनायक को उसकी मम्मी एक यूनिक सीड देती है जो कि एक्चुअली एक्निशिया प्लांट की होती है और आज भी वो प्लांट स्कूल में है, जिसमें से कुछ पार्ट कद्दू अपने असाइनमेंट बुक में रख लेती है। पुलिस के छोड़ने के बाद चिरू और एनमे जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि पुलिस एक्चुअली उनका पीछा कर रही थी और LG सर के ऑर्डर्स थे कि उन्हें ओराका का हाइडआउट पता करना है ताकि वो पेप्टाइड लेने के लिए सभी ओराकास को पकड़ सके। बट ओराकास भी बहुत
बहुत स्मार्ट है। उन्होंने सोच के रखा था कि जैसे लोगों ने उनके जंगल काटे, उनकी जमीन खराब करी, वो सोच के बैठे थे कि अगर लोग उन्हें मारने आएंगे फिर वो भी सामने से लड़ेंगे। आखिर में ये दिखाया जाता है कि अथॉरिटी को लगता है कि उन्होंने 5,000 नॉन इन्फेक्टेड लोगों को इवैक्यूएशन शिफ्ट में बिठा दिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके बीच कद्दू भी है जिसे LHF है और बाकी लोगों को खतरा है, और साथ में ओराकाश जिनको पुलिस नॉन वायलेंट समझते थे वो भी अपने बचाव के लिए लड़ने को तैयार है। और यहाँ पर season 1 एंड हो जाता है। तो ये थी एंडिंग एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मेरे हिसाब से इस शो का season 2 आएगा। और अगर तुम्हें थ्रिलर मूवीज पसंद है जिनके अंदर बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट होते हैं जिनको देख के तुम्हारा दिमाग घूम जाए, तो ऐसी 10 मूवीज की रिकमेंडेशन ये रही। वरना आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द अनऑफेंडर।